प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए एक भी वादा उन्होंने नहीं किया। और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा। पांचवें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान जारी है। वहीं 5 सीटों पर जारी मतदान के बीच पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उनके दौरे को लेकर मीसा भारती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल मीसा भारती ने कहा है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। पांचवें चरण में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट पड़ रहे हैं, उन सब प्रत्याशियों को मैं अग्रिम बधाई दे रही हूँ। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश का चुनाव होना चाहिए था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन एनडीए के नेता लोग बस इधर उधर की बातें ही करते रह गए। लेकिन इस बार जनता ने इनकी विदाई करने का मन बना लिया है। तो सुनिए क्या कुछ कहा मीसा भारती ने। देखिए, इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है, और पांचवें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामना है और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी। बता दें कि इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव भी पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर उन पर हमला बोल चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जहां पीएम मोदी से 7 सवाल पूछे हैं, वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की जनता पांचवें चरण तक पीएम मोदी की 5 बातों को साफ तौर पर समझ चुकी है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।